ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। Good evening, students. This is the second part of organization of data. आकलों के संगठन का ये दूसरा पार्ट है. Here we are going to study basis of classification. वर्गीकरण के आधार, इसका हम अध्ययन करेंगे इस पार्ट में. So what are the basis of classification? Basis of classification means such groups under which we may classify data. यहाँ पे वर्गीकरण के आधार का मतलब ऐसे समूह जिनके अंतर्गत डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब वर्गीकृत कर सकते हैं. सो दीज आर जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव. अंडर क्वालिटेटिव देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड मेनी फोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. तो वर्गीकरण का आधार क्या है? भौगोलिक या स्थानिक, कालिक, कालिक का मतलब समय के अनुसार, गुणात्मक, गुणात्मक के अंतर्गत दो हैं, साधारण और बहुस्तरीय, फिर परिमाणात्मक या संख्यात्मक. नाउ वी विल सी देम इन डिटेल, सब इन सबको हम डिटेल में देखेंगे. सो फर्स्ट थिंग, जियोग्राफिकल और स्पेशियल क्लासिफिकेशन, भौगोलिक या स्थानिक वर्गीकरण. हियर वी क्लासिफाई डेटा अकॉर्डिंग टू द नेम्स ऑफ सिटीज, नेम्स ऑफ स्टेट्स, नेम्स ऑफ कंट्री. मीन्स हियर वी क्लासिफाई डेटा, वी मेक ग्रुप्स ऑफ डेटा बाय द नेम ऑफ प्लेसेस. यहाँ पे हम डेटा का जो ग्रुप बनाते हैं, मतलब आंकड़ों का जो वर्ग बनाते हैं, वो स्थानों के नाम के अनुसार बनाते हैं. तो अंडर दिस, इसमें क्या कर सकते हैं हम, किसी शहर के नाम पे, गांव के नाम पे, या स्टेट के नाम पे, राज्य के नाम पे, देश के नाम पे, हम इस तरह के डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं. मीन्स अंडर वन हेडिंग वी पुट ऑल दोज आइटम्स विच बिलोंग टू सम पर्टिकुलर प्लेसेस. लाइक अंडर पंजाब, हेयर पंजाब इज द नेम ऑफ ए स्टेट, मीन्स इट इज ए प्लेस. पंजाब एक प्लेस है, राज्य का नाम है. सो द नंबर ऑफ फर्म्स विच कम अंडर पंजाब विल बी रिटेन अगेंस्ट पंजाब. जो फर्मों की संख्या पंजाब में है, वो पंजाब के सामने लिखेंगे. दिस इज द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग बाईसाइकल्स इन 2019 अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब अलग अलग स्थानों में 2019 में बाईसाइकिल के उत्पादन में जिन फर्मों ने जो भी प्रोडक्शन किया, उसकी लिस्ट है, मतलब उसके हिसाब से प्रोडक्शन को उनके स्टेट के नाम के हिसाब से बांटा गया है. भौगोलिक जो उनका स्थान है, मीन्स जियोग्राफिकल लोकेशन, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्म द डेटा हैज बीन क्लासिफाइड. देन हरियाणा, इन हरियाणा देर आर 20 फर्म्स. देन इन यूपी देर आर 25 बाइसिकल फर्म्स. नाउ हेयर द डेटा इज प्रेजेंटेड इन बार ग्राफ, यहाँ पे वही आंकड़े जो है बार ग्राफ, मतलब दंड चित्र में दिखाए गए हैं. ऑन द एक्स एक्सिस वी आर शोइंग नेम ऑफ प्लेसेस, ऑन द वाई एक्सिस वी आर शोइंग नंबर ऑफ फर्म्स. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. क्रोनोलॉजिकल मीन्स समथिंग वेन पुट इन अकॉर्डिंग टू दियर टाइम ऑफ हैपनिंग, इट इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल. जब हम किसी को उनके उन घटनाओं के होने के समय के अनुसार
व्यवस्थित करें तो उसको बोलते हैं कालिक वर्गीकरण या समयानुसार वर्गीकरण। हेयर एट वन साइड मीन्स वी मेक क्लॉसेस अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। हेयर वी कैन राइट ईयर, डेट्स, वीक्स, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, लाइक दिस, मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एनीथिंग वी कैन राइट हेयर। मीन्स हेयर वी प्रेजेंट द नेम्स ऑफ मंथ और डेट्स और टाइम व्हेन समथिंग हैज बीन हैपेंड। ऑन अदर साइड वी विल शो व्हाट हैज बीन हैपेंड। सो हेयर वी आर सीइंग सेल्स ऑफ फॉर्म्स इन 2017 टू 2019, 2017 से 2019 तक फर्म की सेल्स के बारे में बताया गया है। तो ये टाइम के समय के अनुसार है, एक तरफ हम समय लिखे हैं, यहाँ पे वर्ष के नाम लिखे हैं और दूसरी तरफ कितनी सेल हुई वो लिखे हैं। सो दिस डाटा इज रिलेटेड टू डिफरेंट टाइम पीरियड एंड वन साइड वी हैव शोन टाइम। दिस टाइम इज डिवाइडेड मीन्स प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू दियर हैपनिंग। ये जो समय है उनके हैपनिंग मतलब जिस समय पर जो हुआ उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट किया डाटा। फर्स्ट 2017 देन 18 देन 19 मतलब एक सीक्वेंस एक क्रम से हम डेटा रख रहे हैं। नाउ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अंडर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन वी प्रेजेंट द डेटा, वी मेक द ग्रुप्स ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज, टू द एट्रीब्यूट्स, टू द कैरेक्टरिस्टिक्स विच दे हैव। जैसे गुण जैसी क्वालिटी डेटा की होती है उसके अनुसार हम यहाँ पे आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं गुणात्मक वर्गीकरण में। नाउ दीज क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स मे बी ऑक्यूपेशन मीन्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। मीन्स वी कैन डिवाइड डेटा लाइक डॉक्टर्स वी कैन पुट एट वन क्लास, इन अनदर क्लास वी कैन पुट इंजीनियर्स, देन इन नेक्स्ट क्लास वी कैन पुट टीचर ETC। या जैसे हम प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग बांट रहे हैं वर्ग बना रहे हैं, तो डॉक्टर्स को एक पहला एक वर्ग बना दिया, दूसरा इंजीनियर का बना दिया, तीसरा टीचर वगैरह ऐसे जो भी हैं ऑक्यूपेशन उन सब का वर्ग बना दिया। नाउ वी कैन ऑल्सो डिवाइड दिस मेक ग्रुप अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ दियर रिलीजन्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स ETC। वी कैन राइट दियर पॉपुलेशन अगेंस्ट देम, हिंदू, मुस्लिम, सिख जैसे नाम बना दिया जो भी धर्म है उनके सामने की पॉपुलेशन या उनसे रिलेटेड आंकड़े लिख दिए। नाउ दिस क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब ये जो गुणात्मक वर्गीकरण है इसको आगे फिर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, साधारण वर्गीकरण और बहुस्तरीय वर्गीकरण। इन सिंपल क्लासिफिकेशन द डिवीजन ऑफ डेटा इज बिटवीन ओनली वन लेयर, मीन्स देयर आर टू ग्रुप्स इन ए लेयर। लाइक इफ यू डिवाइड द डेटा अकॉर्डिंग टू सेक्स तो देन देयर विल बी मेल एंड फीमेल। अगर हम डेटा को सेक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करें मतलब कि उनके लिंक के अनुसार, तो मेल और फीमेल ऐसे दो ग्रुप बन जाएंगे। हेयर वी हैव डिवाइडेड डेटा इन ओनली वन लेयर एंड वी कैन ऑल्सो डिवाइड डेटा अकॉर्डिंग टू देयर जॉब स्टेटस, लाइक वर्किंग मीन्स एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। हम जॉब स्टेटस के हिसाब से भी डेटा को दिखा सकते हैं, एक तरफ एम्प्लॉयड यानी जो जॉब में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार, रोजगार वाले और बेरोजगार ऐसे भी दिखा सकते हैं। सो हेयर वी हैव डिवाइडेड डेटा ओनली इनटू टू क्लासेस। इन सिंपल क्लासिफिकेशन वी डिवाइड डेटा ओनली इनटू टू क्लासेस। जो साधारण वर्गीकरण है उसमें हम केवल
दो वर्गों में ही डेटा को क्लासिफाई करते हैं, मतलब दो वर्ग ही बेवल बनाते हैं। इन मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन वी डिवाइड डेटा इनटू मेनी लेयर्स, वी मेक मेनी लेयर्स अंडर टू हेड। फर्स्ट वी डिवाइड डेटा इनटू टू हेड्स लाइक रूरल देन अर्बन। पर इनको इसमें बहुस्तरीय विभाजन में, बहुस्तरीय वर्गीकरण में हम डाटा को कई स्तरों पर विभाजित करते चले जा रहे हैं। पहले जैसे हमने शहरी और ग्रामीण बांट लिया, देन अंडर रूरल दिस कैन फर्दर बी कैटेगराइज लाइक मेल फीमेल। इसको हम आगे फिर कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे महिला पुरुष। देन अगेन वी कैन हेयर आर टू लेयर, फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर। अगेन वी कैन मेक थर्ड लेयर, मेल कैन बी डिवाइडेड इंटू एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड। फीमेल्स कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। मीन्स वेन देयर आर मोर देन टू कैटेगरीज, टू क्लासेस, वेन डेटा इज डिवाइडेड इंटू मेनी फोल्ड इन मेनी लेयर्स, इट इज नोन एज मेनी फोल्ड क्लासिफिकेशन। मीन्स वेन द डेटा इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज कॉल्ड मेनी फोल्ड क्लासिफिकेशन। जब डेटा को हम दो से ज्यादा गुणों के आधार पर बांटते हैं तो इसको बोलते हैं बहुस्तरीय वर्गीकरण। सी हेयर इज एन एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, एन एग्जाम्पल ऑफ मैनिफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। हेयर क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स हैव बीन डिवाइडेड। यहाँ पे किसी फैक्ट्री के जो श्रमिक हैं उनको विभाजित किया गया है अलग अलग पार्ट में। तो पहले हमने इसको भाग विभाजित किया स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, स्किल्ड लेबर्स एंड अनस्किल्ड लेबर। देन अगेन सब डिवाइडेड बिटवीन लिटरेट एंड इलिटरेट। देन अगेन देयर इज वन मोर लेयर, रूरल अर्बन। यहाँ पे पहले हमने आंकड़ों को जो भी फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर को दो पार्ट में डिवाइड किया, स्किल का मतलब दक्ष और अदक्ष विभाग बांटा। उसके बाद फिर उनके नीचे फिर दो विभाजन कर दिए, साक्षर निरक्षर। इसके बाद फिर उसको बांट दिया ग्रामीण ग्रामीण और शहरी ग्रामीण। इस तरह से वेन वी डिवाइड द डेटा लाइक दिस इन मेनी लेयर्स इन मेनी फोल्ड्स, इट इज नोन एज मेनी फोल्ड क्लासिफिकेशन। जब हम कई स्तरों पर आंकड़ों का विभाजन करते जाते हैं तो इसको बहुस्तरीय वर्गीकरण कहते हैं। हेयर वी आर डिवाइडिंग द डेटा इंटू अकॉर्डिंग टू मोर देन वन एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे हम एक से ज्यादा गुणों के अनुसार आंकड़ों को विभाजित कर रहे हैं। नोट वन थिंग, सच फिनोमिना विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मीन्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, वी कैन नॉट शो देम इन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जिन आंकड़ों को हम संख्या में नहीं दर्शा सकते हैं उन्हें हम गुणात्मक वर्गीकरण में नहीं रख सकते हैं। जैसे ये गुण हो गए ऑनेस्टी एंड ब्यूटी, ईमानदारी और सुंदरता। वी कैन नॉट शो दीज डेटा इन टू नंबर्स, हम इनको नंबर्स में नहीं दिखा सकते, वी कैन नॉट शो दी इन नंबर्स। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, हेयर क्लासेज आर मेड अकॉर्डिंग टू नंबर्स, मीन्स लाइक इनकम, इनकम कैन बी सोन इन रुपीज, मीन्स इन नंबर। आय जैसे है, आय को हम संख्या में दिखाते हैं, मीन्स यू कैन फाइंड नंबर्स एट बोथ साइड। इन
इनकम वी कैन शो द पर्सन हुज इनकम इज बिलो 10,000 देन फ्रॉम 10,000 टू 20,000 देर लाइक दिस वी कैन मेक मेनी लेयर्स मेनी क्लासेस ऑफ इनकम। जैसे हम आय के अनुसार डाटा को विभाजित करते हैं तो पहले एक तरफ हम लिखते चले गए कि इनकी आय कितनी है, जैसे 10,000 से कम वाले का एक वर्ग बन गया, फिर 10,000 से 20,000 वालों का दूसरा बन गया, ऐसे 20 से 30,000, 30 से 40,000 ऐसे चलता रहा। तो इस तरह के वर्गीकरण को फिर बोलेंगे संख्यात्मक या मात्रात्मक या परिमाणात्मक वर्गीकरण, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। इट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ फैक्ट्स। ये वह वर्गीकरण है जो कि तथ्यों के संख्यात्मक मान के आधार पर करते हैं। तो हेयर वी कैन शो वेजेस प्रॉफिट्स हाइट्स वेट एक्सेट्रा इज एनीथिंग विच वी कैन प्रेजेंट इन नंबर्स दैट कैन बी क्लासिफाइड इन टू क्वान्टिटेटिव क्लासिफिकेशन। हेयर एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स आर गिवन हेयर वन साइड एनुअल प्रॉफिट एंड अगेंस्ट देयर नंबर ऑफ फर्म्स इज गिवन। एक तरफ वार्षिक लाभ दिया है, दूसरी तरफ फर्मों की संख्या दी है। तो यहाँ पे जो वर्गीकरण है वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है, बिकॉज दीज आर क्वांटिटीज, ये सब चीज़ें क्या हैं, संख्या है, इसलिए संख्यात्मक वर्गीकरण है। नाउ वी सी देयर आर सम नंबर्स मीन्स सम वैल्यूज विच कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स एंड एट द सेम टाइम दे हैव फिनो ऑफ बीइंग चेंज। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स मतलब गुण होते हैं जिनको संख्या में भी लिख सकते हैं, साथ में उनके मान बदलते रहते हैं। सो दिस नेचर ऑफ बीइंग चेंजिंग एनीथिंग एनी फिनोमेना विच हैव नेचर ऑफ बीइंग चेंज इज नोन एज वेरिएबल। कोई भी चीज़ जो समय के अनुसार बदल सकती है उसको संख्या में शो कर सकते हैं, मतलब संख्यात्मक रूप से दर्शा भी सकते हैं, तो उसको कहते हैं चर। चर का मतलब कोई भी मान, कोई भी फिनोमिना या कोई भी गुण जो संख्या में दर्शाया जा सकता है, साथ में वो बदल भी सकता है, उसमें परिवर्तन भी हो सकते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल ए करेक्टरिस्टिक्स और ए फिनोमिना विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल। ऐसा गुण जिसे हम संख्यात्मक रूप में माप सकते हैं तथा उसका मान समय के अनुसार परिवर्तनशील हो, चर कहलाता है। लाइक हाइट, व्हेन ए चाइल्ड इज इन यंग एज हिज हाइट इंक्रीजेस। वेट, हाइट वेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, जो भी चीज़ें बदल सकती हैं समय के अनुसार वो सब वेरिएबल्स में आती हैं। जैसे बच्चों की लंबाई हो गई, वेट हो गया, क्लास में बच्चों की संख्या, तो दीज इनकम दीज थिंग कैन बी चेंज ओवर टाइम, ये सब चीज़ें समय के अनुसार बदल सकती हैं। तो एंड दे ऑल्सो कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, इनको हम संख्या में भी माप सकते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स, इनको बोलेंगे चर। सो दीज आर चर वेरिएबल्स, ये सब वेरिएबल है या इनको हिंदी में कहते हैं चर। नाउ टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, दो तरह के जो चर होते हैं वो हैं खंडित चर और सतत चर। खंडित चर और सतत चर, फर्स्ट खंडित चर, सबसे पहले डिस्क्रीट वेरिएबल्स। डिस्क्रीट वेरिएबल्स और दोज वेरिएबल्स दैट इंक्रीज इन जम्प्स और इन कंप्लीट नंबर्स, मीन्स एनीथिंग विच कैन बी चेंज इन कंप्लीट नंबर्स इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल्स। लाइक नंबर ऑफ
बॉयज इन योर क्लास, नंबर ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, नंबर्स कैन नॉट बी इंक्रीज इन हाफ और इन डेसिमल, नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स एक्सेट्रा, नंबर ऑफ पेंस इन योर पॉकेट, दीज थिंग्स कैन नॉट बी चेंज इन इनकम्प्लीट नंबर, दे विल ऑलवेज चेंज इन कम्प्लीट नंबर। क्लास में बच्चों की संख्या या स्कूल में बच्चों की संख्या या आपकी जेब में कितने पेन हैं, इस तरह की जो भी संख्याएं हैं, मतलब जो भी चर हैं, वो बदलेंगे लेकिन पूर्ण संख्या में बदलेंगे, भिन्न में नहीं बदलेंगे, भिन्न में इस तरह से नहीं बदलेंगे। इफ देयर आर 15 बॉयज इन योर क्लास इन क्लास 10th, इन क्लास 11 इट मे बिकम 16, 14, 13, 18, 20, एनीथिंग, बट कैन नॉट बिकम 15.5, 16.5, 16.2, दे कैन नॉट बिकम इन दीज नंबर्स। ये जो है संख्या में बढ़ेंगे, आपके क्लास के बच्चों की संख्या क्लास 10 में जितनी भी थी, मान लो 15 थी, तो 11th में हो जाएगी 16, 17, 18, 20, 13, 14, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन पॉइंट में नहीं होंगी, दशमलव में नहीं होगी, 15.2 हो जाए, 20.4 हो जाए, 50.1 हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, वो पूरी कंप्लीट नंबर में जंप करेंगी। खंडित चर, जो चर पूर्ण संख्या में परिवर्तित होते हैं वो खंडित चर कहलाते हैं। नाउ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स आर दैट अज्यूम ए रेंज ऑफ वैल्यूज और इंक्रीज नॉट इन जंप्स बट कंटिन्यूअसली और इन फ्रैक्शंस और कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल। जो भी चर पूर्ण संख्या के बजाय दशमलव या भिन्न के मान में परिवर्तित हो सकते हैं वे सतत चर कहलाते हैं। ऐसे चर दो मान के बीच में कोई भी मान रख सकते हैं, लाइक हाइट ऑफ ए बॉय कैन बी 150 सेंटीमीटर दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर इट मे बिकम 150.1, देन इट विल बिकम 150.2, मीन्स इट विल इंक्रीज स्लोली, मीन्स इट विल नॉट जम्प फ्रॉम 150 to 151, ये सीधे 150 से 151 नहीं हो जाएगा, ये स्लोली बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, पहले ये 150.1 आएगा, फिर 150.2 आएगा, इन दिस वे इट विल इंक्रीज ईयर बाय इंक्रीज एंड वी मे सी चेंज, लाइक वेट ऑफ एनी पर्सन वेट विल इंक्रीज स्लोली, मीन्स इट विल इंक्रीज इन फ्रैक्शन फ्रॉम 50, इट मे बिकम 50.1, देन 50.15, देन 50.2, एक्सेट्रा, इट कैन नॉट डायरेक्टली जम्प फ्रॉम 50 to 51, सीधे ये 50 से 51 नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे ही बढ़ेगा। तो इस तरह की जो वैल्यूज हैं वो कंटिन्यूअस वेरिएबल या सतत चर कहलाती हैं। सतत चर जिन चरों में दशमलव या भिन्न के मान में भी परिवर्तन होता है वो सतत चर कहलाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, लगातार एकदम से जंप नहीं कर जाते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स, वी नो एट्रीब्यूट्स मीन्स क्वालिटीज और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी पर्सन, बट ऑल characteristics, all qualities cannot be measured in terms of number. हर तरह के गुणों को हम संख्यात्मक रूप में नहीं माप सकते हैं। जो भी गुण हैं, attributes हैं, वो हमको पता हो गया, जैसे honesty, मतलब ईमानदारी है, we cannot measure honesty in terms of numbers. हम ईमानदारी को संख्या में नहीं माप सकते हैं, we cannot express them in numbers. So, such kind of attributes cannot become variable. तो इस तरह के जो भी attributes हैं, यानी गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो चरों में नहीं आएंगी. Only those variables may come under only those attributes may come under variables
विच कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, केवल उन्हीं गुणों को चरों में रखा जाएगा जो कि संख्या में दर्शाए जा सकते हैं। Sometimes you may see change in the color of skin, but you cannot measure them. How much change occurred in the color of that skin. And same way you can see the change in color of hair. These also cannot be expressed in terms of number. इनको भी हम संख्या में नहीं दिखा सकते हैं, तो ये सब चीजें variables में नहीं आएंगी। Now you have to identify the from the following which are variables or which are sorry you have to find out which are discrete and which are continuous variables. यहाँ पे आपको पता करना है कौन सा सतत चर है और कौन सा खंडित चर है। So you should do this by yourself. Now this lecture has been over and next lecture. In the next chapter, we will study about raw data. Have a nice day.